तो हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। कि जो प्रिंट कल्चर है वो कब से आया, कैसे उसका ग्रोथ हुआ प्रिंट कल्चर का, और फिर मॉडर्न वर्ल्ड तक कहां तक, मतलब पहले कैसे प्रिंट होता था, अब कहां पे हम पहुंच गए, और उसकी वजह से यूरोप में एंड इंडिया में, हम ज्यादातर यूरोप और इंडिया की ही बात की है, 9th का हो या 10th का हो या पूरा ही हमारा हिस्ट्री हो। कल इन लोग को पढ़ा रहा था तो मैं उन लोग को बता रहा था SST में GSEB को कि उनका जो SST है ना उनमें पर्टिकुलर चैप्टर्स है, तो सपोज केमिस्ट्री के एक हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज की बात है, तो सपोज केमिस्ट्री है तो हमारे जो सेजिस थे, मतलब 8th century, 6th century, 9th century, तब उन्होंने क्या किया था उसके बेस पे आज का रिसर्च होता है, और वो सारी चीजें तुम्हारे 11th साइंस के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। मतलब वो नहीं पढ़ना है बट उसमें इम्पोर्टेंस बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर मतलब वही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाई केमिस्ट्री, क्यों पढ़ने वाले हो तुम। 10th तक तो तुम ये पढ़े सब कुछ, साइंस सब कुछ कॉमन। अब अगर तुमने साइंस लिया है तो पर्टिकुलरली केमिस्ट्री फील्ड में क्या क्या होता है, फिजिक्स में अलग से क्या होता है, बायो में अलग से क्या होता है, मैथ्स तुमने अगर लिया है तो मैथ्स में भी कितना डिटेल में जाएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री थे और डिटेल्ड में ट्रिग्नोमेट्री आएगा, इसीलिए 10th में दिया है कि अगर तुम्हें पढ़ना है डिटेल्ड में तो 11th 12th, और अगर साइंस नहीं लिया तो 10th के लेवल का ठीक है ओके। बट स्टेप ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड ये सिस्टम बढ़ता जाता है, मतलब कि ग्रो करता जाता है, तो जो चीज हम कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे आज वो सारी चीजें या तो 10th में है या तो 11th में है, और जो हम 10th में पढ़ते थे वो सारी चीजें अभी 6, 7, 8 वो स्टैंडर्ड में आ गई है। तुम अभी के 6, 7, 8 स्टैंडर्ड देखो, 8 तो नहीं बट 6, 7 देखो अभी का, तो उसमें 10th का इतना सारा है, तुम ऐसा सोचोगे कि अरे ये तो पूरा का पूरा 10th है। मैम अभी मेरा जो एक बैच था 7th का, तो मैं तो अभी नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने मैम को दिया था, तो मैम तो अभी 7th और 10th ले रहे हैं, 7th इंग्लिश मीडियम 10th गुजराती मीडियम, तो बोल रहे हैं कि मतलब कितना सारा है। जिसको 7th आता है अच्छे से साइंस, उसको 10th का साइंस बहुत ईजी लगेगा, बहुत ज्यादा लिंक्ड वे में आगे बढ़ा है। तो वैसे ही ये प्रिंट कल्चर है वो हमें कैसे हेल्प करता है। अरे प्रेयर रह गई, चलो प्रेयर कर लेते हैं। चलो तो कौन सी प्रेयर करेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वही कि यूरोप में क्या चेंजेस हुए इस ये इन्वेंशंस की वजह से, और इंडिया में क्या चेंजेस हुए, कैसे इंडिया को फ्रीडम में अच्छा हुआ, मतलब बेनिफिट हुआ, एट द सेम टाइम यूरोप में जो गलत चीजें चल रही थी और जिसे हम अंधविश्वास बोलते हैं ओके, वो सब चीजें कैसे बंद हो गई ओके, तो वो सारा चीज हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। जैसे मैसेज में बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट क्लास होगा सिलेबस वाइज, क्योंकि सिलेबस वाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है चैप्टर्स। उसके बाद SST तो है ही तुम्हारा, वो तुम पढ़ोगे, एंड देन मैथ्स रहेगा, तो मैथ्स के जो भी डाउट्स हो तुम पूछ सकते हो, लेकिन पूरे का पूरा कोई ऐसा चैप्टर डाउट हो ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हो तो तुम पूछ सकते हो, अदरवाइज जो भी डाउट हो तो एटलीस्ट फिर ऐसा करेंगे कि तुम लोग मुझे मैसेज कर दो या फोन कर दो, तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन ही तुम्हें पढ़ा दूंगा बोर्ड पे, या तो फिर ऑनलाइन, मतलब मैं यहाँ ही रहूंगा यहीं से पढ़ाऊंगा, सो दैट बोर्ड का यूज करना हो तो बोर्ड का, बट आई कैन डायरेक्टली वो प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व कर लो, या तो फिर तुमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है एक जगह पे फंस गए हो तो वीडियो कॉल पे तुम अपना ही दिखाओगे कि सर यहाँ तक गिना आगे नहीं हो रहा है, या फिर पूरा गिन लिया मिस्टेक कहाँ है पता नहीं लेकिन आंसर नहीं आ रहा, तो वो मिस्टेक फाइंड करनी हो ये वो, तो वो सब मोस्टली हम ऑनलाइन करेंगे। और
यहाँ आके ही सॉल्व हो ऐसा ही है, बहुत ज्यादा डाउट्स है, देन यू कैन कम ऑल्सो वेन एवर यू वॉन्ट। एक बार सिर्फ कॉल करके कि हाँ सर आज डाउट है तो आ रहे हैं, लाइक दैट वैसे आ सकते हो, तो उस हिसाब से हम डाउट भी सॉल्व कर लेंगे। एंड देन बस फिर तुम लोगों की एग्जाम खत्म हो, कब खत्म हो रही है? लास्ट वही है, ओके, तो 21 को कंप्लीट होगी, तो उसके बाद हम अराउंड इन लोग की भी जब खत्म हो जाए जीएससीबी की, तो उसके बाद हम वो जो तुम्हारा 10th के बाद क्या करना है कैसे करेंगे वो लेक्चर 10th के बाद, मतलब उनका भी जीएससीबी का भी कंप्लीट हो जाए तब हम वो करेंगे कि 10th के बाद क्या करना है कैसे करना है, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन कैसे दूर करें, और हमारे पास इनफ टाइम है सोचने के लिए, जैसे हम कोई वहाँ डिस्कशन करें तो इनफ टाइम है हमारे पास कि क्या करना है कैसे करना है उसके फ्यूचर क्या है। देखो हम जैसा सोचेंगे वैसा सब कुछ होने वाला है, कभी नहीं होगा वैसा, ओके, बट एटलीस्ट यू कैन प्लान कर सकते हैं कि मतलब हम ऐसे ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं है और कहाँ जाना है और हम बस रास्ते में दौड़ रहे हैं विदाउट एनी डेजिग्नेशन, गोल नहीं है, कहीं भी भाग रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ कि ये डिसाइड किया वहां जाते हैं, अब देखते हैं कि रास्ता कैसा है क्या है, मतलब वो एटलीस्ट हमें पाथ पता है, फिर फास्ट भागो धीमे भागो, वहां पे कहाँ पे जाना है, मुंबई जाना है ऐसा डिसाइड कर लिया चले गए मुंबई, बट मुंबई में पूरा मुंबई तो बहुत बड़ा है, तो मुंबई में कहाँ जाना है भाई, थाने जाना है या फिर मरीन ड्राइव के पास जाना है तुम्हें, चर्च गेट जाना है, अंधेरी जाना है, बुरीवली कहाँ जाना है, यहां से जाओगे तो एक बड़ा गोल है मुंबई, फिर वहां पे कहाँ पे जाना है, ओके, तो वो बाद में वो सब डिसाइड करेंगे, इनफ टाइम भी है, सो यू कैन थिंक, ओके, सो तब वो सब बात करेंगे। मे बी वो लेक्चर हमारा होगा सेकेंड को या फर्स्ट को, फर्स्ट ऑफ अप्रैल या सेकेंड ऑफ अप्रैल, और अगर कोई इंसिडेंटली अगर ऐसा कुछ लेंगे मेरा शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हुआ, देन वी विल टेक इट ऑन से 4th or 5th, ओके, अदर क्योंकि 3rd को तो क्लासेस शुरू कर रहा हूँ 11th साइंस के और 10th के, तो अगर कोई तुम्हारे मतलब जूनियर हो या कोई भी आने वाला हो, मतलब तुम लोग 11th साइंस में आने वाले हो उसमें तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बट जो जिनको ना पता हो या फिर तुम्हारे जूनियर्स, ओके, जो डायरेक्ट 10th में आना चाहते हो, 9th में नहीं आ रहे थे, यहाँ पे जेएमबी में तो शायद दिशा ही है अकेली, तो 10th में उनको आना हो या फिर कोई भी इंक्वायरी करे तो तुम बता सकते हो कि ये ऐसा है और दो ही बैच है इस साल, तो आई एम थिंकिंग ऑफ ओनली 2 बैचेस, अभी तो 3 थी 9, 10, 12, अभी सिर्फ 10, 11 फॉर दिस ईयर, क्योंकि जो इतना मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ नॉलेज देता हूँ तो अब मुझे अपने ऊपर अप्लाई करने का टाइम बहुत बहुत टाइम से रह गया है, सब कुछ हेल्थ इश्यू हो या फिर फैमिली के लिए टाइम सारा गिन के वो टाइम आई नीड कि फैमिली टाइम भी अच्छे से मिले, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, जो नॉलेज मैं तुमको दे रहा हूँ वो तो देता ही रहूँगा बट एट द सेम टाइम मैं भी उसमें पक्का हो जाऊँ, मतलब मैं उसको सिर्फ नॉलेज के बेस पे वो ना रहे मैं एक्सपीरियंस भी करूँ, जैसे कि कई कितनी सारी बातें हैं जो नॉलेज है, ओके, कि यहाँ कैसे पहुँचा जाता है, ये मेडिटेशन है सपोज या ये स्पिरिचुअल पाथ है तो कहाँ तक पहुँचा जाता है वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ही पहुँच गया हूँ तो फिर बताऊँगा तो तुमको लगेगा अरे यार सर ने कर दिया तो फिर हम भी करेंगे, ओके, एटलीस्ट तुम्हें मिल जाएगा बेंचमार्क कि हाँ हो तो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकल है प्रैक्टिकल भी है, ओके, सो वो सब चीज़ें की वजह और फैमिली टाइम, ओके, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी हो रहा है, इनकम सोर्स भी जनरेट करना हो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो अलग से कुछ सोचेंगे करेंगे, बट क्वालिटी कंटेंट अगेन, जो शेड्यूल इतना लंबा हो जा रहा है उसकी वजह से जो भी ड्रॉबैक्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है उस पर भी काम करना है, हर साल धीरे 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 इम्प्रूवमेंट है बट उस पर भी काम करना है, सो वो पांच पॉइंट भी रह गए थे आपने बताया था एक बार इंग्लिश की क्लास में, वो जितना भी मैंने बोला था कि बुक के पीछे लिखे रखना, तो वो जितने भी पॉइंट हो तो यू कैन कम ऑन वैकेशन डेज, ओके, और ये बार तो मैं मोस्टली संडे छुट्टी ही रखने वाला हूँ, सो मे बी संडे वी कैन
डिस्कस दैट टॉपिक ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर यू वांट. पिछली बार भी ओके नाइन्थ का वेकेशन तो टेंथ में आ गए हो. दैट इज नॉट नाइन्थ का वेकेशन तो क्या 21 मार्च से तो हमने टेंथ शुरू किया था तो वो तो वेकेशन जैसा कुछ है नहीं नाइन्थ का तो. ओके सो ये बंद है या खुली है विंडो? नहीं बंद है सर मैंने की थी. देखा वो सारी चीजें हैं तो कैसे है क्या है सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे. और अगर मैं अवेलेबल हूं ना हूं एटलीस्ट यू कैन कॉल. ओके वैसे तो तुम्हारी एग्जाम तक तो मैं अवेलेबल हूं लेकिन उसके बाद 10 डेज मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा. सो बट तुम्हारी एग्जाम तक तो हूं अवेलेबल. ओके उसके बाद आ जाऊंगा थोड़ा. कब नॉट अवेलेबल? एग्जाम के बाद फॉर अ वीक. ओके तुम लोगों के एग्जाम के बाद फॉर अ वीक और देन आफ्टरवर्ड्स तो गरीब घर पे ही हूँ. मतलब यहीं पे नहीं हूँ भरूच में ही नहीं हूँ. तो थोड़ा बाहर माइंड फ्रेश करके आ जाए फिर छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी वॉट एवर. बहुत कुछ करना है. ओके और तुम लोगों से करवाना भी है. बहुत कुछ सोचा है ये करेंगे अभी भी बहुत कुछ सोचा था जो बहुत कुछ हुआ भी बहुत कुछ नहीं भी हुआ क्योंकि सोचा ही इतना ज्यादा है. तो सोचा ही इतना ज्यादा है कि सब नहीं होने वाला फिर भी कि नहीं ये कभी करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे. ओके होगा. सो छोड़ा तो नहीं है तो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ओके तो सबसे पहले ये प्रिंटिंग वाला सब कुछ आया कहां से? तो 3 नेशन में सबसे ज्यादा था. देखो प्रिंट इन चाइना द अर्लीएस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन द चाइना जापान एंड द कोरिया. इंडिया नहीं लिखा है पता नहीं क्यों. ओके बट अभी हमें पता चलेगा कि भाई हम तो ये अर्लीएस्ट मतलब जब वो उनके लिए जो अर्लीएस्ट है तो हमारा तो फिर वो मतलब शॉकिंग ही है इसलिए उन्होंने शायद बुक के कंटेक्स्ट में नहीं लिखा है. सो जो दैट इज चाइना जापान एंड कोरिया फ्रॉम AD 594 मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. ओके 594 मतलब ये कौन सी सेंचुरी है? 15. क्या 15? मतलब कौन सी सेंचुरी है ये? सिक्स्थ. ये सिक्स्थ सेंचुरी है. ओके 501 से 600 तक 6 सेंचुरी 700 तक 7 सेंचुरी वैसे याद रखो. Onwards, book in China were printed by the rubbing paper against the inked surface of the wood blocks. मतलब क्या? कि ये टाइम तक 6 सेंचुरी तक चाइना में कैसे प्रिंट करते थे कि एक वुड है वुड के ऊपर इंक डाल दिया वुड के ऊपर पूरा इंक डाल दिया और उसके ऊपर पेपर डाल दिया मतलब पेपर को पास किया वो जो इंक्ड वाला वुड है उसके ऊपर से पेपर को पास किया. ओके और जब पेपर को पास किया तो सारी इंक पेपर पे लग जाएगी और अब जो भी तुम्हें उसे लिखना है तो अंदर ऑटोमेटिकली लिख सकते हो लाइक दैट. तो वैसे प्रिंट कल्चर वहां पे तब चलता था. अर्लीस्ट चाइनीज बुक्स वेर मेड इन एकॉर्डियन स्टाइल. एकॉर्डियन स्टाइल मतलब दैट स्टाइल जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि वुड के ऊपर ये जो लिखा हुआ है उसी को एकॉर्डियन स्टाइल बोलते हैं कि वुड के ऊपर इंक डाल दिया और फिर ऊपर से पेपर पास किया तो सारी इंक आ जाएगी पेपर पर एंड देन तुम उसके ऊपर कुछ लिख सकते हो. ये एक हुआ. दूसरा वुड पे पहले से तुमने कार्विंग किया हुआ है लिखा हुआ है वुड पे पहले से एंड देन इंक पास किया और उसके तो वो जो गड्ढे बन गए हैं वो तुम्हारी स्केल भी आती है वैसी छोटे बच्चों की ऐसी स्केल आती है अल्फाबेट से एबीसीडी सिखाने के लिए तो उसके ऊपर डाल दिया एंड देन पेपर पास किया तो वो अल्फाबेट्स वहां पे लिख जाएंगे मतलब प्रिंट हो जाएंगे. तो वो मेथड को बोलते हैं एकॉर्डियन स्टाइल. टेक्स्ट बुक फॉर द रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस वेर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रिंटेड मटेरियल. तो चाइना की बात चल रही है तो चाइना में जब भी ये सिविल सर्विसेज जैसे हमारे वहां पे IAS है IPS है IFS है जो भी सिविल सर्विसेज UPSC GPSC हम नहीं देते तो वो सिविल सर्विसेज की जब भी प्रिपरेशन करनी हो बुडिंग हाँ तो जब भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी हो चाइना में वो टाइम पे ये सिस्टम फॉलो होती थी मतलब बुक बन जाती थी और ये ही बुक चलती थी. ओके हाँ बताओ
गए अब भूल जाना है, पढ़ाई वढ़ाई भूल जाना है लाइफ टाइम के लिए, मतलब ऐसे नहीं लेट ऑब्वियसली 2-3 साल तो जैसे ही गए, फिर क्या फिर पढ़ाई, शर्म लगेगी सबके साथ पढ़ने में, अपने से बड़े बड़े मतलब अपने से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो मे बी ये ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है ओके, बट खुद ही प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट कर दी है ऐसे ओके मतलब फेल हो जाए ना उसमें जितनी तकलीफ नहीं होती ना उतनी अब ये पकड़े गए उसमें होगी लगभग 4-5 बार पकड़ी गई है, पूरा पूरा जेरॉक्स निकाल के लेके आते वो फिर ऐसा क्या, अब तो वहाँ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं वहाँ पे पकड़ी गई था उसको पकड़ने का, लास्ट में पकड़ी गई तो एंटर कैसे हुई पता नहीं सर, रुमाल के अंदर भर रखा था, तब चेक नहीं किया था, फिर आ रही बनने लगी थी, वहाँ पे मैम ने मांगे सर्वर सब आ गए ना, फिर सब लोग उससे मांग रहे थे, रुमाल ही आजू कर रही थी, सर बोलते हैं आई कॉल पुलिस, फिर सर ने छीन लिया और सब निकली उसे लग रहा था कि वो उसकी टीम में पकड़े जाने वाली, ठीक है तो है ना उसी वक्त वो मैं हमारी जो इंग्लिश था ना उससे बोलती है कि मैम मैं टू वॉशरूम और फिर रुमाल हाथ में लगे जाने लगी, अरे मैम तो पकड़ने वाले थे और उस रुमाल भी पकड़ने वाले थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वॉशरूम नहीं पाए रुमाल दो, तब फिर आगे किस्सा हुआ तो वो तो वॉशरूम आने के लिए सर मुझे शॉक क्या लगा, मैं उसे देख के मैं अंदर डर गई कि बाहर इसका क्या होगा, लेकिन वो वहां पे आर्ग्यू कर रही है मैम के साथ, अच्छा फिर भी उसने आर्ग्यू किया कि नहीं मैं नहीं दूंगी, और इनफैक्ट वो पेपर मांगने की बात करें तो मैम को बोलते नहीं पहले आप मुझे प्रॉमिस करो आप मुझे लिखने दो फिर आज में मैम बोलते ओके ओके आर यू श्योर आर यू श्योर मैं कुछ किया नहीं था फिर भी मैं डर गई थी कि क्या है ये, और हमारे स्कूल की आज ही मैम आए थे वैसे अपने घरों में पेपर दिया है, वरना आज ही हमारे स्कूल के जूनियर मैम थे जो आए थे आज वहाँ पे ग्रुप पे, उनका वो चेहरा अपसेट हो गया था, ये हमारे स्कूल का पूरा हो गया ना रेपुटेशन, तो आज ही आया आज क्या पता सर वो और भी मैं साइंस वगैरह लेके आई हूँ पहले के मुकाबले जो पेनल्टी है वो बहुत पक्की कर दी है, मतलब ज्यादा कर दी है, क्यों? क्योंकि डर बैठा रहे और ना करे, लेकिन डर के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, मतलब जो काम का नहीं है वो कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं तो हमारे टाइम पे तो सॉक्स भी निकालो, हाँ सर पापा ओके अंदर जाओ जूते निकालो फिर बोले सॉक्स भी निकालो ओके, और फिर जैसे वो हम कहीं पे जाते हैं कोविड के टाइम पे, और वो टाइम पे कैसे चेकिंग होती थी, या फिर हम कुछ ये मल्टीप्लेक्स में जाएंगे तो कैसे कि तुम कुछ नुकीली चीज नहीं ले गए, एयरपोर्ट पे कैसी चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पे खतरनाक चेकिंग होती है, तो वैसे ही पूरी चेकिंग होती है ओके, गर्ल की अलग बॉय की अलग, लेकिन मतलब चेकिंग देख के ही तुम्हें लगेगा कि भाई नहीं हो पाएगा ऐसे तो पापा ने मेरे को बताया था कि कभी कभार तुम जिसमें सफर हो उसकी पैंटी उतार देते अरे हाँ ऐसा सब भी हुआ है, मतलब ऐसे लेके जाएंगे कि भाई चलो चेकिंग करनी है पर्टिकुलरली, और कपड़े भी चेक करते थे क्योंकि अरे पर्टिकुलर कपड़े ऐसे सिलवा के लाते हैं, यहाँ पॉकेट है वहां पॉकेट है ऐसा सब ओके, तो मतलब कोई सपोज कंपास बॉक्स ऐसे होते हैं कि कहाँ पे वो बॉक्स है पता ही नहीं चलता, ऐसे ओपन करेंगे तो पेन दिखेगी और थोड़ा ऊपर से ओपन करेंगे तो ओ सारा भरा हुआ है वहाँ बहुत कुछ होता है बट
ये जल्दी रिजल्ट मिल गया गलत काम का, लंबे टाइम पे मिले ना तो इससे भी खराब रिजल्ट मिले, तो ये जल्दी मिल गया तो एटलीस्ट वॉट एवर उसको पेपर तो वापस नहीं दिया, फिर उसको कहीं ले गए थे, फिर उसका पता गया भाई उसको उसका वो गुमशुदा हो गया ठीक है चलो। हाँ सो टेक्स्ट बुक ये तो हमने देखा, देन बाय दी 17th सेंचुरी, देखो अब हम चाइना की बात कर रहे थे और 6th सेंचुरी की बात चल रही थी, अब डायरेक्टली आ गए 17th सेंचुरी पे। बाय दी 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, तो अर्बन कल्चर मतलब शहरीकरण बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा लोग शहर में जाने लगे और बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होने लगा, तब ये प्रिंट कल्चर डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब के अलग अलग मेथड्स आ गए और वो मेथड्स बाहर भी जाने लगे, चाइना के बाहर भी जाने लगे। हाँ सबसे पहले प्रिंट कल्चर चाइना से यूरोप गया ना, हाँ इटली, वो अभी हम देखेंगे। मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंटेड मटेरियल इन देयर एवरीडे लाइफ, तो अब 17th सेंचुरी में तो क्या मर्चेंट्स एवरीडे लाइफ में प्रिंटेड मटेरियल यूज करने लगे, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसा ही यूज करने लगे। देन शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, तो ऑब्वियसली वहां का कैपिटल है वो, ओके सो शंघाई क्या बन गया कि एक हब बन गया, सब चीज का हब होता है, जैसे हम बोले कि भाई हमारा कैपिटल है दिल्ली और इकोनॉमिकल कैपिटल की बात करें तो हम बोलते हैं मुंबई, ओके अगर फिर हम बात करें कि जैसे हमने मैप में भी देखा था क्वेश्चन कि साइंटिफिक और से टेक्नोलॉजिकल हब की बात करें तो हमारा आता है बैंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं हम, ओके हर मतलब जगह का, जैसे गुजरात का तुम बोलो कि भाई कौन सी सिलिकॉन वैली है गुजरात की, दैट इज गांधीनगर, हाँ मतलब अहमदाबाद के अंदर गांधीनगर, ओके वो हमारा सबसे ज्यादा मतलब जहां पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो कंपनियां है वो और जो रिसर्च है और गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी वो सारी की सारी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो गांधीनगर, वैसे ही ये शंघाई का नाम ऊपर आ गया। अब आता है बात जापान की, तो बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑफ चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन टू जापान अराउंड एडी 768 to 770, 3 साल अप्रोक्सीमेटली 3 years, बट कौन सी सेंचुरी थी 8th सेंचुरी, मतलब ये कौन सी सेंचुरी है 8th सेंचुरी, ओके तो 8th सेंचुरी में जो चाइना के जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने ये टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस करवाई। अब देखो वहां है तो वहां से धीरे धीरे अब फैलती जाएगी, तो जापान में आ गई। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन द एडी 9th सेंचुरी आ गया, वापस इसके 100 साल बाद 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी बुक थी जो पहले ऐसे प्रिंट की गई जापान में, दैट इज डायमंड सूत्र, ओके। उसके बाद आता है कैलीग्राफी, जो हम बहुत ही अच्छी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग इटैलिक इटैलिक में लिखते हैं, दैट इज कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश्ड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, वन मार्क क्वेश्चन, ओके। देन प्रिंट कम्स टू यूरोप, तो अब इटली से आ गया है, चाइनीज से इटली, जैसे जैसे हमारा मसाला हमारी टी, कैसे हमने वो बेकर वाला भी चैप्टर पढ़ा था, तो भाई गोवा में वो लोग पहले से रह रहे थे, फिर गोवा में कौन रूल कर रहे थे सबसे पहले, ब्रिटिशर्स, बाद में उसके पहले पोर्टुगीज, यस हाँ हाँ, बट बेकर फॉर गोवा था, कुर्ग थोड़ी था, कुर्ग नहीं था, कुर्ग कहाँ, और गोवा में पोर्टुगीज का, मैंने कहा अलेक्जेंडर बोला, मैंने बोला वो सबने थोड़ी बोला, तो पोर्टुगीज चर्च और वो सब वहीं पे है ना, सो पोर्टुगीज का रूल चल रहा था, तो वहां पे भी वहां का कल्चर यहाँ आया, फिर जो तुम कुर्ग का बोल रहे हो वो कल्चर भी आया जब वो आया था अलेक्जेंडर, तब की बात है, बट कहना क्या चाहता हूँ कि ऐसे ही अब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, यहाँ की चीज वहां जा रही है, वहां की यहाँ आ रही है, ग्लोबलाइजेशन, बट नॉट इन दिस मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जो ग्लोबलाइजेशन है वैसा नहीं, बट वो भी ग्लोबलाइजेशन ही था, थ्रू ओशन और से सी रूट हम इंडिया से अमेरिका तक जाते थे, साउथ अफ्रीका तक जाते थे, वहां यूरोप तक जाते थे, ओके सो इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू द सिल्क रूट, सिल्क रूट हमने ऑलरेडी देख लिया है चैप्टर में भी, तो वो जो हमारा ही इंडिया थ्रू होके जाता था अफगानिस्तान और वो पूरा टर्की और वो होके यूरोप तक जाता था, दैट इज द सिल्क रूट, सिल्क रूट वही ना से ट्रेडिंग होती थी, हाँ और ज्यादातर स्टार्टिंग हुई थी सिल्क की ट्रेडिंग से, इसलिए वो रूट को नाम दे दिया सिल्क रूट,
ओके सो 11th सेंचुरी में ये वहां पे पहुंच गया प्रिंटिंग. नाउ इन 13th सेंचुरी दैट इज 1295 मार्को पोलो बंदे का नाम है. सो मार्को पोलो ब्रॉट द नॉलेज ऑफ द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो हमने स्टार्टिंग में चाइना में पढ़ी. दैट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी कहां ले आए? इटली में. दैट इज यूरोप. ओके तो इटली में ले आए. टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द बुक्स बुक सेलर स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू स्क्रिप्ट्स एंड स्किल्ड हैंडराइटर्स. मतलब कि अब बुक की डिमांड बढ़ेगी, लोगों को बुक की लोग पढ़े लिखे होने लगे हैं और ये प्रिंटिंग आ गया है तो अब लोगों को क्या चाहिए? जो अच्छे से लिख सके. ओके स्क्रिप्ट्स अच्छे से लिख सके एंड जो स्किल्ड भी हो, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट लिखे, स्लो लिखे और एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखे, वैसे लेबर्स की और वैसे मतलब लोगों की, लेबर्स नहीं बोलेंगे बट लोगों की जरूरत पड़ने लगी. तो अब वहां पे अभी लोगों के माइंड में आ गया कि ओ भाई बहुत मतलब पैसे कमाने वाला जरिया है ये, तो ये लोगों को हायर करो फिर हम ये काम करवाएंगे और फिर बेचेंगे लाइक दैट. बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड. रह गया डिमांड फॉर बुक्स. मतलब कि ये लाए तो टेक्नोलॉजी बढ़ी और सब कुछ बढ़ा बट डिमांड इतनी बढ़ गई कि वो डिमांड को सेटिस्फाई किया ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता था, इतनी ज्यादा डिमांड थी, सबको चाहिए. जैसे कोविड में सबको वैक्सीन चाहिए थी स्टार्टिंग में, लेकिन किसी को मिलती ही नहीं थी. ओके पेमेंट बेस पे थी तब की बात है, फिर फ्री में तो सबने लगवा ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बट एकदम स्टार्टिंग की बात है तो आ तो गई थी बट मिलती नहीं थी, कितने टाइम बाद शुरू हुआ. ओके सो वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड था लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रही थी. तो वो मतलब है तो तुम क्या लिखोगे कि इटली थ्रू सिल्क रूट थ्रू इटली में गया था प्रिंट कल्चर. ओके उसके बाद आता है रीजन फॉर द अराइवल ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप आफ्टर 1295 मतलब 13th सेंचुरी अभी हमने पढ़ा ना, इसके रीजन क्या क्या है, मतलब क्या क्या हुआ वहां पर. सो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग केम टू यूरोप आफ्टर 1295 बिकॉज क्यों आया? दिस टेक्निक वॉज विथ चाइना फर्स्ट, सबसे पहले चाइना में था. अब देखो ऐसा अभी की बात नहीं है कि अमेरिका, यूरोप, चाइना, इंडिया, रशिया, ओके यूरोप में तो सब कुछ आ गया लेकिन रशिया है, ब्रिटेन है, जो भी हमारे वर्ल्ड वॉर वन और टू के जो कंट्रीज है वो, और ऑब्वियसली इंडिया. तो अभी ऐसा नहीं है, पहले से ही ऐसा है कि ये लोग आके चले गए तो ये लोग आके चले गए तो इन लोग के पास बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इन लोग के पास बहुत ज्यादा पैसे आने लगे हैं, उनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेस है. तो वैसे ही सब पूरी दुनिया में लगने लगा कि भाई चाइना के पास ये है वो है. तो अब चाइना से आ रहा है, चाइना में ये टेक्निक फर्स्ट थी वो तो हमें पता ही, ये सब रिपीटेड ही पॉइंट है, ये पॉइंट रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड ही है. मार्को पोलो रिटर्न टू इटली एंड ब्रॉट दिस नॉलेज विद हिमसेल्फ. इंडिया का भी जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा ऐसे ही गया है. ओके कि मतलब लोग आए एक साल, पांच साल, दस साल, पंद्रह बीस साल इंडिया में रहे वो लोग, और वो टाइम पे तो वीजा की और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आए गए. ओके सो मतलब 15 इयर्स, 20 इयर्स यहाँ पे रहे, अपनी आधी आधी लाइफ यहाँ पर रहे और यहाँ का जो नॉलेज है, फिर उनको लगा कि अरे बस हो गया अपन अब रिटायर हो जाएंगे. तो फिर वहां से उनकी फैमिली जहां थी वहां रिटर्न हुए और फिर यहाँ जो उन्होंने सीखा यहाँ का नॉलेज वो वहां पे शेयर किया. तो इंडिया का तुम कोई भी इंडिया का कोई भी मतलब साइंस ले लो, स्किल ले लो, वो सारी बाहर ऐसे ही गई है. कल मैं उन लोग को पढ़ा रहा था जैसे मैंने बताया जीएसबी को, तो वो पूरा ही तुम्हें अगर साइंस ले रहे हो तो 11 साइंस के फर्स्ट चैप्टर में आएगा. वैसे तुम्हारा जब वैकेशन हो जाए ना 21st के बाद, तो वो एटलीस्ट एक वीडियो, मैंने एक ही वीडियो बनाया 11 साइंस का कि केमिस्ट्री बोरिंग लग रहा है तो ये वीडियो देखो, ऐसा एक ही वीडियो है अपने चैनल पर. ओके सो उस पे मैंने मतलब बताया है कि कितना डिटेल्ड है और क्या है, पूरा चैप्टर तो नहीं बताया बट सिर्फ इंट्रो दिया है. इंट्रो भी मतलब 1.5 आवर का था कि पूरा केमिस्ट्री क्या है. अगर तुम डिटेल्ड में जा रहे हो, साइंस ले रहे हो और पढ़ रहे हो तो तुम लो ना लो लेकिन वो वीडियो एक बार देखना, यू विल गेन दैट नॉलेज कि हम जो साइंस पढ़े थे वो आगे जाके इतना डीप है और हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट्टा मार लिए और फॉर्मूला बैलेंस कर लिए और हमने सोचा कि खत्म हो गया नहीं, बहुत डीप डाउन है. और जितना भी हमने याद रखा हुआ है वो याद रखा
उसका साइंस, वो क्यों, उसका रीजन आगे जाके धीरे धीरे पता चलेगा। एंड अगेन 11 12th में ही सारा पता नहीं चलेगा, और डीप जाना है तो फिर तुम्हें से ग्रेजुएशन में, कॉलेज में तुम्हें पर्टिकुलर अगर इंटरेस्ट है तो वो, सपोज जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो केमिस्ट्री लेगा, जिसको मैथ्स में है तो वो मैथ्स ले सकता है, बायो ले सकता है, फिजिक्स ले सकता है, और ये सब में ही इंटरेस्ट हो तो फिर इंजीनियरिंग भी ले सकता है ओके क्योंकि उसमें सब आएगा। फिर इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस है, वो लेक्चर के लिए हम रखते हैं सब कुछ ओके तो ये पॉइंट भी रिपीटेड था। नाउ इटालियन बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद द वुड ब्लॉक, तो ये टेक्नोलॉजी वहां चली गई चाइना से, इटली कौन ले गया, मार्को पोलो 1295 ओके सो अब क्या हो रहा है कि उन लोग ने भी अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पर अब धीरे धीरे पूरे ही वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी फैलने लगी ओके अंडरस्टूड। ये दोनों आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और एक ही बार तुम यहां पे ही हो जाएगा, ऐसे चैप्टर है ओके यहां पे ही मतलब सारा समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा, वैसे चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं, एक बार सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, दैट्स इट ओके। लेकिन वो थीम लाइन, वो स्टोरी लाइन हमें पता चल जानी चाहिए। अब आता है एक वेलम, तो वेलम क्या है, वेलम मतलब समझ लो कि एक स्लेट है, एक लिखने की चीज है, एक बोर्ड है जिसके ऊपर तुम लिख सकते हो, उसी का नाम है वेलम ओके। दैट इज अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द एनिमल्स, तो स्किन, एनिमल्स की स्किन है, उसको निकाल के एक पार्चमेंट मतलब कि एक लिखने की चीज, एक बोर्ड बनाया जिसको बोला जाता है वेलम ओके समझ में आया। तो जो नाम है अटपटे उसमें मत घुसना, सिंपली याद रखना कि एक स्लेट है, बोर्ड है जिसपे हम लिख सकते हैं, लेकिन वो बना किससे है, एनिमल की स्किन से बना हुआ है, उसको बोलते हैं वेलम। देन बाद में आता है मैन्युस्क्रिप्ट, ये तो हम मतलब हजारों सालों से यूज कर रहे हैं ओके। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कॉपीड ऑन द पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर, तो हैंडमेड पेपर है या पाम लीव्स है उसके ऊपर जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स। और इंडिया में तो मैन्युस्क्रिप्ट से चलती है, हमारे वहां तो हमारे पास जो रामायण, महाभारत, जो वेदांत सारे ग्रंथ है वो सारे पहले तो मैन्युस्क्रिप्टेड ही थे, उसके बाद पेपर, और अभी भी जो पेपर पे हमारे पास जो ओल्डेस्ट है दैट इज नॉट प्रिंटेड, प्रिंटेड तो अलग है ओके, लिखे हुए है हमारे पास आज की डेट में भी, जस्ट इमेजिन आज की डेट पढ़ सकते हैं उतनी कंडीशन है, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन रीड, उतनी कंडीशन है, लेकिन विथ प्रॉपर केयर ओके, मतलब पेज ऐसे घुमाया तो ऐसा ना हो के फट गया ओके, आराम से तुम्हारे हम एनसीईआरटी को मतलब हो गया वैसे किया तो गए ओके, बट वी हैव हमारे, और वैसे टच करने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो हमारे शंकराचार्य है, हमारे जो रिलीजियस हेड्स है उनके पास सेफली रखा हुआ है, और कोई वो फील्ड में जाता है मतलब स्पिरिचुअल और रिलीजियस फील्ड में दोनों डिफरेंट है, बट वो लाइन में जाता है, स्पिरिचुअल तो है ना एक टाइम के बाद है ना, स्पिरिचुअल बाहर का नॉलेज नहीं, तुम्हारे अंदर घुसना है दैट इज स्पिरिचुअल, अंदर की बात है बाहर की नहीं, मतलब तुम बाहर का सारा नॉलेज गेन कर लोगे रिलीजियस बन के, उसके बाद पता चलेगा ओ भाई बाहर तो जाना ही नहीं था, हाँ अंदर जाना था, फिर अंदर जाना शुरू करोगे तब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। मतलब कोई एक बंदा पहले रिलीजियस हो सकता है उसके बाद स्पिरिचुअल हो ओके, और तुम अगर डायरेक्ट स्पिरिचुअल हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर तुम्हें क्या लगेगा, अरे सारे रिलीजन सही है, सारे रिलीजन एक ही बात कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि रिलीजियस में मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्टोरी लाइन पढ़नी है कि भाई बाइबल है तो बाइबल में ऐसी 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 स्टोरीज है, कुरान है तो उसमें ऐसे मैसेजेस है, भगवद गीता है तो उसमें कृष्ण जी ने अर्जुना को ये किया था, हमारे शिव महापुराण में स्टोरी में ऐसा हुआ था, ये सब याद रखने की बातें नहीं है, लाइफ में लाने की बातें हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं ओके। तो लेकिन वो रिलीजियस में ही आएगा, अगर तुम कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो, स्टोरी लाइन पे ध्यान दे रहे हो तो दैट इज रिलीजियस, वो कहना क्या चाहते हैं वो बात अगर समझ रहे हो और एंड गोल क्या है और एंड गोल कैसे पाया जाए वो डायरेक्शन में जा रहे हो दैट इज स्पिरिचुअल ओके। डिफरेंट अगेन ऐसे लेक्चर भी मैंने जैसे बोला कि हम करेंगे अभी आज इस पे ध्यान देते हैं ओके। सो देन लिमिटेशंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट से क्या लिमिटेशन, अभी जो हमने बात की भाई फट जाएगी या फिर फ्रेजाइल है, अच्छे से यूज करना पड़ेगा, अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा,
तो बहुत पहले की बातें हैं, ओके तो कैसे स्टोर करेंगे, तब थोड़ी ऐसे वाली बॉक्स थे और लॉकर थे, ऐसा कुछ थोड़ी था। तो भाई वुडन का सब बनाया था, देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, ओके बहुत, एक तो कोई देगा नहीं, देखो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स होगी ना तुम्हें कोई देगा ही नहीं, तुम बोलोगे कि मुझे ओरिजिनल जो भाई गणेश जी ने लिखी थी वो महाभारत चाहिए, ओ भाई क्या बात कर रहे हैं, हाँ मैं देता हूँ लाओ, इतने लाख रुपीस लगेंगे, तुम लाख देके आओगे तो भी जो तुम्हारे पास है वो असली नहीं है क्योंकि जो ओरिजिनल होगा और जिसको उसकी वैल्यू पता है, जो ओरिजिनल है और जिसको उसकी वैल्यू पता है वो कभी किसी को देगा ही नहीं, वो क्यों देगा, जस्ट इमेजिन, मतलब तुम्हें तुम्हें भगवान मिल गए हो तो भगवान, फिर भगवान को छोड़ दो तुम, तो फिर तुम क्यों छोड़ोगे भाई, भगवान मिल गए तो भगवान को छोड़ोगे क्यों, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा, ओके तो वो होगा नहीं। जैसे ही बिजनेस होता है रुद्राक्ष का, ओके कि जो पर्टिकुलरली एक मुखी रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष में पावर है और सारे होते हैं एक मुखी, द्विमुखी, तीन मुखी, चार, पांच, जनरली पांच होता है, ये पंचमुखी है, ओके मतलब पांच साइड से ऐसे मुख होता है, एक मुखी ऐसा लंबा होता है थोड़ा ऐसे, ओके तो उसका भी मतलब मतलब हम ऐसा बोलेंगे, बोलना नहीं चाहते, मतलब इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस होता है, ओके भाई ये बहुत है ये ले लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अरे तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा, वो बिलीफ सिस्टम चेंज हो गई ना तुम्हारी, इसलिए मिल रहा है, वो तुम्हारी बिलीफ सिस्टम चेंज हो गई कि ये मेरे पास आ गया है तो हो जाएगा, वो बिलीफ सिस्टम काम करती है, ओके वो बिलीफ सिस्टम काम करती है, एक जोक याद आ रहा है वो बोलना नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, एडिटिंग किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट मेरे दोस्त है, तो मेरा दोस्त नाम नहीं लूंगा, तो जब छोटा था वो बहुत ज्यादा छोटा था, मतलब कि सपोज मेरे से एक दो साल छोटे, ओके तो एक दो साल नहीं ज्यादा ही छोटा, ओके तीन चार साल मेरे से छोटा, तो वो जब छोटा था बहुत गालियां बकता था, ओके मतलब बड़े लोगों को भी शर्म आ जाए वैसी गालियां बकता था, हाँ ऐसे ही उसको पता, लॉजिक नहीं लगा था कि यहाँ बोलना है या नहीं बोलना है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख के आता था, स्कूल हो या कोई दूसरे फ्रेंड्स हो, कहीं से भी सीख के आता था और कहीं इस पे भी चेप देता था, मतलब कहीं पे दोस्त कूल बनने के लिए, नहीं नहीं कूल वाला नहीं, मतलब पता था कूल वाला नहीं, तो मतलब वैसे मतलब नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे गुस्सा आए तो नहीं, गुस्सा आए तो लोग गालियां बकने लगते हैं, ओके तो वैसे उसके साथ झगड़ा वगड़ा हो ऐसे खेल रहे हैं और वो आउट हो गया तो बस ऐसे गालियां देना शुरू, वैसे तो बहुत देता था, तो फिर उसकी मम्मी को लगा कि यार ये सही बात नहीं है, तो पता नहीं कहां से वो एक रुद्राक्ष लाए और फिर गले में पहना दिया, और फिर पूछा कि नहीं क्या है, तो बोले कि ये रुद्राक्ष है तो इससे क्या होगा, तो बोले कि इसको मतलब ऐसे टंग पे टच करना है और फिर ऐसे मंत्र बोलना है, ये वो पूजा करनी है, अच्छा ठीक है, तो क्यों ये, लेकिन तो बोले कि ये जब से मेरे बेटे को मैंने पहना है ना, तो मुझे पता था, बट जब से मैंने पहना है ना तो उसने गालियां बकना छोड़ दिया, मैंने कहा वो भाई माता जी हमारे साथ है, हमें पूछिए वो क्या है, मम्मी को थोड़ी पता है ऐसे को, हमें पूछिए हमें पता है कितना छूटा है और कितना रहा है, बट ये बिलीफ सिस्टम है, ओके कि हमने ये कर लिया और ये हो गया, ये कर लिया ये हो गया, मतलब भगवान के नाम पे चीटिंग है, भगवान को भी नहीं छोड़ा हमने, ओके अभी आएगा, भगवान को भी नहीं छोड़ा अभी आएगा, यूरोप में भी ऐसा हुआ था कि भाई ऐसे ही मतलब क्या कि तुमने जितने भी पाप किए हैं अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, लेकिन सजा कम हो जाए तो यहाँ जाओ, यहाँ पे थोड़ा पैसा जमा करो, साथ साथ में वाइन लेते हो, डोनेशन ले लो, और हाँ मतलब वहां पे वाइन और डोनेशन और वो सब चलता है, खाना पीना सब कुछ वो सब दो, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो पाप है वो कम हो जाएगा, ओके तो ऐसा सब चलता था पहले बाहर भी और इंडिया में भी सब जगह चलता था कि भाई हमारे पास आ जाओ, तुमने जितने पाप किए हुए हैं वो सारे के सारे धो देंगे, और क्योंकि पाप सबने किए हैं, कोई तो ऐसे पहले से ही ऐसा है नहीं,
सबने पाप किए हैं और सबको धोने हैं। देखो सोचो, ये ब्यूटी है कि पाप तो किए, अब हमें पता भी चल गया कि हाँ यार हमने पाप किए, बट द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी कि हम समझ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। नाउ वी वॉन्ट टू चेंज, उन्होंने नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तरीके से प्रायश्चित कर सकते हैं, वो गुनाह से हम बच सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा हमें पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे पढ़ाई नहीं की है तो पता है कि भाई फेल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अब कुछ ना कुछ कर देंगे कि फेल ना हो। फिर ऐसे चीट वाला केस बनता है कि चीट लगा के जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ओके, तो पढ़ाई नहीं की तो भाई भगवान भी सपोर्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं की तो मार्क्स कहाँ जाएंगे, फिर हम ऐसे भगवान का नाम ले। थ्री इडियट तो देखा है ना, एग्जाम के टाइम पे ही पूजा बढ़ जाती है। ओके, तो वो सारी चीज कैसी है कि फिर हम भगवान के नाम पे भी मिसयूज कर रहे हैं सब। सर वो भगवान का सीजन आता है, हाँ एग्जाम सीजन होता है ना, ऐसे ही सीजन बना लिया है हम लोगों ने। ओके, मंडे है तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्रावण आ गया, शिवरात्रि हो गई तो हर हर महादेव पूरे। और वो एक मैंने मीम सेव करके रखा है, मैं सोचा था कि अपनी ट्यूशन की जो इंस्टाग्राम की है ना उस पे आईडी पे रखूंगा, कि ऐसे पहले का डायलॉग है बहुत फेमस एक्टर का, माफ कर दो इसे ऐसा बोल रहा है, तो उसके पीछे लिखा है माफ कर दो इसे, कभी घर के मंदिर में नहीं गया और सपने केदारनाथ जाने के देख रहा है। क्योंकि अभी वो रील बॉल चल रही है सारी कि केदारनाथ जाएंगे एंड ऑल। ओके, कौन आ गया वो रील चलाने के यार, अपना वॉच वॉच बना दिए, अरे यार कट कर दिया। अरे नहीं, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन वो शायद वो होगा डिलीवरी बॉय होगा, वो बंद कर देते हैं।